सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट विद विजय चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट क्रिकेट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आईसीसी ने वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का कंप्लीट शेड्यूल अनाउंस कर दिया है। टूर्नामेंट की मेजबानी न्यूजीलैंड करेगा, जो कि वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 की शुरुआत 4 मार्च 2022 से होगी, जिसका फाइनल मुकाबला 3 अप्रैल 2022 को खेला जाएगा। दोस्तों, मेंस क्रिकेट की तरह ही वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप भी काफी रोमांचक, काफी खतरनाक होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें एक बार फिर इंडिया और पाकिस्तान की टीम भिड़ती हुई नजर आएगी। दोस्तों, टीम चाहे मेंस की हो या वुमेन्स की हो, खेल चाहे जो भी हो, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान की टीम जब आमने सामने आती है तो वो पल हमेशा रोमांचक होता ही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का कंप्लीट शेड्यूल, डेट, टाइम, वेन्यू, टीम्स और फॉर्मेट से जुड़ी सारी जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा, वहां पर भी आपको क्रिकेट से जुड़ी लगातार खबरें मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों, वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 में 31 दिनों में कुल 31 मैचेस खेले जाएंगे। टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा लेगी, जो कि कुछ इस तरीके से है। नंबर 1 न्यूजीलैंड, नंबर 2 इंडिया, नंबर 3 पाकिस्तान, नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 5 इंग्लैंड, नंबर 6 साउथ अफ्रीका, नंबर 7 वेस्ट इंडीज और नंबर 8 बांग्लादेश। दोस्तों, यहां पर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ने आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप 2017-2020 के तहत डायरेक्ट टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया है, जबकि यहां पर न्यूजीलैंड मेजबान देश होने के नाते उन्हें सीधे शामिल किया गया है। वहीं यहां पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज ने आईसीसी ओडीआई टीम रैंकिंग के आधार पर टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया है। दोस्तों, बता दें कि वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी न्यूजीलैंड के 6 शहर करेंगे, जो कि कुछ इस तरीके से है। ऑकलैंड, क्राइस्टचर्च, डुनेडिन, हैमिल्टन, तोरंगा और वेलिंगटन। दोस्तों, यहां पर फॉर्मेट की बात करें तो लीग स्टेज में सभी 8 टीमें एक दूसरे के खिलाफ एक एक मैच खेलेगी और लीग स्टेज के अंत में पॉइंट टेबल की टॉप 4 टीमों के बीच 2 सेमीफाइनल और फाइनल मैच खेला जाएगा। दोस्तों, बता दें कि टूर्नामेंट का सेमीफाइनल 1 30 मार्च को वेलिंगटन में खेला जाएगा, उनके बाद सेमीफाइनल 2 31 मार्च को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा और यहां पर वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मुकाबला 3 अप्रैल को क्राइस्टचर्च में ही खेला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 में टीम इंडिया के शेड्यूल की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, वर्ल्ड कप में टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ करेगी, जहां पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 6 मार्च को तारंगा के बे ओवल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। उनके बाद वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का दूसरा मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ 10 मार्च को हैमिल्टन के सेडोन पार्क क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया का तीसरा मुकाबला वेस्ट इंडीज के खिलाफ 12 मार्च को हैमिल्टन के सेडोन पार्क क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया का चौथा मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ 16 मार्च को तारंगा के बे ओवल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। उनके बाद टीम इंडिया का पांचवा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 मार्च को ऑकलैंड के ईडन पार्क क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया का छठवा मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ 22 मार्च को हैमिल्टन के सेडोन पार्क क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। उनके बाद यहां पर टीम इंडिया का लीग स्टेज का सातवां और आखिरी मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ 28 मार्च को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। दोस्तों, ये था टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल। अगर आप वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का पूरा शेड्यूल देखना चाहते हैं तो वो मैंने ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा और शेड्यूल भी देख लीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।